ओम नमः शिवाय श्री ऋषि पुराण अध्याय 15। इन्नी कथा सुन के नारद जी ने पूछा, हे पिता, जब भगवान सदाशिव का गुस्सा शांत हो गया अते ओ खुशी नु प्राप्त हो गए, उस दे बाद की होया, ओ मैनू दसन की कृपा करो। ब्रह्मा जी कहन लगे, हे नारद, जब भगवान सदाशिव मेरे ते खुश होए अते उन्हां ने मेरे वीरे नु धरती उत्ते चमकता होया पिया देखिया, तब मैनू कहा, हे ब्रह्मा, ये वीरे बहुत तेजस्वी नजर आउंदा है, सो इस नू नष्ट नहीं करना चाहिदा। जिस वेले तेरा वीरे धरती उत्ते डिग्गा सी, उस वेले मेरियां अखां दे कुछ हंजू भी डिग्गे सन, सो उन्हां दोवां दे सुमेल नाल चार बद्दल दी उपज होवेगी। शिव जी दे इन्ना आखदे ही चार बद्दल बन के आसमान उत्ते छा गए अते गरजदे होए पानी बरसाउण लगे। पर उस वेले शिव जी दे डर दे कारण ओ वर्खा धीमी हौली फहारां दे रूप विच हो रही सी। उस वर्खा नूं देख के शिव जी अते बाकी सब सभा दे लोक खुश होए अते सब पासे आनंद ही आनंद भर गया। उस दे बाद शिव जी दी आज्ञा अनुसार विआह दियां होर रीतियां पूरियां कराईयां गईयां। हे नारद, ये सब हो जाण दे बाद विआह दे वाजे फिर पहलां दी तरह वज उठे। उस वेले असी शिव दी प्रार्थना करदे होए कहा, हे प्रभु, जिस तरह शब्द अते अर्थ विच कोई अंतर नहीं है, उससे तरह तुहाडे अते शक्ति विच कोई अंतर नहीं है। तुहाडी महिमा अपार है, तुहाडे चरणा दी कृपा नाल इस संसार विच किसे ने की नहीं पाया। तुसी सब जीव जंतुआं दे पिता हो अते भगवती शक्ति संसार दी माता हन। इस प्रार्थना नु सुन के शिव अते शक्ति खुश हो के साडे लोकां ते कृपा दी नजरां दी वरखा करदे होए कैलाश पर्वत नु तुर गए। हे नारद, उस वेले दी शोभा इह सी कि शिव दे सिर ते छतर छतरी सजी थी अते देवतागण पासे खड़े होए उन्हां दी प्रार्थना कर रहे सन। शिव जी ने कुछ दूर अग्गे जा के दक्ष अते बाकी सब देवतावां नूं विदा कर दिता अते आप शक्ति अते अपने गणा नाल कैलाश पर्वत ते जा बैठे। जद शुभ लगन विच शिव जी अते सती अपने भवन विच दाखल होए, उस वेले चारे पास्यों जय जयकार दी आवाज सुनाई देन लगी। मैं अते विष्णु ने शिव जी अते सती नूं इक ही सिंघासन ते बिठाया। उस वेले नाच गाना करदे होए जिसने जो जो मंगया उसनूं उही चीज दे दित्ती। उस दे बाद सब लोग उन्हां दी कृपा दा वर्णन करके अपने अपने घर परत गए। मैं अते विष्णु भी उन्हां दी आज्ञा पा के अपने लोक नूं परत आए। हे पुत्तर, इस तरह मैं शिव जी दे विआह दे लई उपाय कीते पर मेरा कोई वास ना चलिया। जद आप आदि शक्ति ने प्रकट हो के उन्हां दे लई तप कीता तद शिव जी ने उन्हां नूं स्वीकार कीता। भगवान सदाशिव दा ये चरित्र मनुखां नूं मुक्ति देण वाला है। शिव जी दा विआह हो जाण ते मेरे मन दा दुख दूर हो गया। इस तरह श्री त्रिपुल पानी सती दे नाल विआह करदे होए कैलाश पर्वत ते रहिंदे सन अते संसार दी भलाई संबंधी कई तरह दीआं कथावां कहिंदे सन। जो मनुख शिव अते सती दे विआह दी इस पवित्र कथा दा पाठ करदा है, ओह संसार विच इच्छा अनुसार खुशी प्राप्त करके अंत विच मुक्ति पाउंदा है। इति अध्याय 15 समाप्त।